कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको हिस्ट्री पार्ट 5 के तहत मध्यकालीन भारत बताऊंगा। और मैंने प्रीवियस जो लेक्चर चंद्रगुप्त मौर्य तक बताया था, ठीक है, अशोक सम्राट अशोक तक मैंने बता दिया था। और बीच के जो कुछ वंश हैं, जैसे आपका छोटे छोटे वंश हैं जो आए हैं, तो उसकी चर्चा मैंने नहीं किया है, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में उसकी चर्चा कर दूंगा। तो मैं आपको दिखा दूँ, मैं छोड़ के आ रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं मध्यकालीन पहले चर्चा कर देता हूँ। देखिए, जो जो मैंने वंश आपको नहीं बताया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ठीक है। मैंने देखिए आपको मैंने यहाँ तक बताया था मौर्य वंश, अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट क्या था? बृहद्रथ था। तो मैंने अभी आपको शुंग वंश नहीं बताया है। नहीं तो ऐसा करते हैं कि एक एक लाइन बस मैं थोड़ा सा थ्रोली इसको ज़्यादा डीप में नहीं, बस जो लाइन लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ देता हूँ, आप बस सुन लीजिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितना कि जो सेक्शंस मैं आज आपको कराऊंगा मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो ये सिर्फ जानिए, मौर्य वंश के पश्चात जो है जो अंतिम बृहद्रथ था, तो उसके बाद जो आया वंश वो था शुंग वंश। और इसका जो निर्माण है, स्थापना पुष्पमित्र शुंग ने ही किया था, और वो सम्राट अशोक का ही मंत्री हुआ करता था, प्रधानमंत्री था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, ठीक है। ये दो इम्पोर्टेंट है कि ये मौर्य वंश का ही प्रधानमंत्री था, लेकिन जब देखा कि सत्ता जब कमज़ोर राजा हो गया, बृहद्रथ जो कि अंतिम राजा कमज़ोर हो गया, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के हो गए, जो भी सम्राट अशोक के वंशज थे वो बौद्ध धर्म में ज़्यादा ही ध्यान देने लगे। एक राजा को, एक कुशल राजा को धार्मिक होना जरूरी है, किंतु हद से ज़्यादा नहीं। तो ये लोग हद से ज़्यादा धार्मिक बन जाते हैं, और उसके बाद इनके ही प्रधानमंत्री ने ही ये शासन हथिया लेता है, और पुष्पमित्र शुंग जिनका नाम होता है उसने शुंग वंश की स्थापना कर लेता है। और शुंग वंश का अंतिम शासक याद रखेंगे देवभूति शुंग था, ठीक है। तो यही क्वेश्चन अगर आएगा तो यही आएगा। उसके बाद उसी टाइम पर आंध्र सप्तवाहन जो कि दक्षिण भारत का जो वंश चला है, तो उसने भी कुछ दिन तक शासन किया, मतलब मगध, अब अखंड भारत एक तरीका से मान लीजिए पाकिस्तान तक उधर और इधर बंगाल तक पूरा घिर गया था। और अशोक के शासनकाल में उड़ीसा को भी, कलिंग भी इसके शासनकाल में आ गया था, इसके महा जो बताया था मैंने जनपद, महाजनपद उसमें आ गया था। लेकिन थोड़ा सा अब आंध्र सप्तवाहन वंश का भी कुछ दिन तक इस पर शासन होता है। इस वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने 106 ईस्वी, अब ईस्वी सन में आ जाइए आप, इस पहले ईस्वी पूर्व में थे, 106 ईस्वी से 130 ईस्वी सन में जो शक्तिशाली शासक था वो गौतमी पुत्र सातकर्णी था, वो आंध्र सप्तवाहन वंश का था। किस वंश का था? आंध्र सप्तवाहन वंश का था, ठीक है। तो ये सब बस वन लाइनर ये आपको मैं बता देता हूँ। उसके बाद कुषाण वंश, ये बहुत इंपॉर्टेंट वंश है, ऐसे कुषाण वंश, ऐसे मैंने बाद में इसको बताया था लेकिन अभी बता देता हूँ। इस वंश की स्थापना जो है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है तो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो इसकी स्थापना किसने की है? तो क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स? कुजूल कैडफिशियस ने की थी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कुषाण वंश की स्थापना जो है कुजूल कैडफिशियस ने की थी, ठीक है। और ये जो था मतलब शुरुआत के दौर में जो कुषाण आए, वो एक कबीला पांच कुलों में बट गया था, और एक कुल के थे कुषाण, ठीक है। ये मतलब आए हैं शक के बाद आए हैं, ठीक है। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आता है एग्ज़ाम में वो यही सब आता है, तो ज़्यादा मैं इसकी चर्चा बाद में करूँगा, फिलहाल एग्ज़ाम पर्पज़ से हम कर लेते हैं। कनिष्क के द्वारा जो इसका सबसे महान शासक था वो कनिष्क था, और कनिष्क के शासनकाल में ही आपको पता होगा कुंडल वन में जो है प्रथम चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इस पर्पज़ से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और शक संबत जो है इसी ने चलाया था, और 78 ईस्वी में, ठीक है, जब गद्दी पे बैठा था उसके बाद ही इसने शक संबत को चलाया था। और कनिष्क के शासनकाल में ही कुंडलवन में बौद्ध का जो आपका चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ है, जिसके कि विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में की गई थी, तो ये कनिष्क के शासनकाल में ही किया गया था। तो लगभग वही 72 ईस्वी पूर्व के आसपास लिखवाए थे हम इसके पूर्व में, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि कनिष्क 78 ईस्वी में ही गद्दी पे बैठा था, तो अगर मैंने पिछले लेक्चर में अगर मैंने 72 ईस्वी सन बता दिया था तो उसको सुधार कर लेंगे। ये जो है 78 ईस्वी में ही जो है मतलब बौद्ध संगति भी करवाया था जब ये गद्दी पे बैठा था, और शक संबत की भी शुरुआत की थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ है वो
कनिष्क के शासनकाल में ही कहाँ पे, कुंडल वन कश्मीर, कहाँ कश्मीर में हुआ था, किसकी अध्यक्षता में, तो बसुमित्र एक विद्वान बौद्ध धर्मी थे, बसुमित्र की अध्यक्षता में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र की रचना वात्स्यायन के द्वारा इसी के काल में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वात्स्यायन। वात्स्यायन एक ग्रंथ है जिसकी रचना कामसूत्र वात्स्यायन तो रचयिता हैं, कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की थी। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक चरक था, ये भी बहुत बड़े चिकित्सक शास्त्री थे, और चरक संहिता जिन्होंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन आने की संभावना है। और सर्वाधिक सोने के सिक्के अगर चलाने का श्रेय जाता है किन्हीं को, तो वो कुषाणों को जाता है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, वासुदेव, ये याद रखना है आपको। उसके बाद जो वंश आता है वो आता है गुप्त वंश, ठीक है। तो थोड़ा सा गुप्त वंश के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। गुप्त वंश, देखिए गुप्त वंश इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, जिसको कि विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, और यहाँ से क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में जान लीजिए। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और चंद्रगुप्त प्रथम मतलब दूसरा है, ये 319 से 335 ईस्वी तक इसका माना जाता है। तो ये याद रखना है आपको, ये गुप्त वंश का जो उदय हुआ था वो कौसाम्बी के निकट हुआ था, और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसलिए बोलते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के मतलब शासनकाल में जो ये लगभग 319 से 335 ईस्वी का होता है, तो उसमें ये जो वंश है बहुत शक्तिशाली वंश के रूप में उभरा, और इसके जो प्रथम सम्राट, जो महान सम्राट हुए वो चंद्रगुप्त प्रथम ही थे, जिन्होंने कि 320 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था, और इसने जो लक्ष्मी की राजकुमारी थी कुमार देवी उससे विवाह किया, और महाराजा धीराज की उपाधि इनको मिलता है, किसको मिलता है महाराजा धीराज की उपाधि, तो चंद्रगुप्त प्रथम को, याद रखना है आपको, चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज की उपाधि मिलता है जब इसने लक्ष्मी की राजा की बेटी से शादी करता है कुमार देवी से, तब इनको महाराजा धीराज की उपाधि मिलता है। चंद्रगुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली था, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, समुद्रगुप्त, ठीक है। ये द्वितीय जो इसका प्रथम के बाद जो आते हैं वो समुद्रगुप्त आते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो था समुद्रगुप्त हुआ है, और जो कि लगभग 335 ईस्वी में कब गद्दी पे बैठा है स्टूडेंट्स, तो लगभग 335 ईस्वी में इसका मतलब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आता है, कब गद्दी पे बैठा, तो ये 335, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे लिखा था 319 से 335 तो चंद्रगुप्त प्रथम का ही रहता है, श्रीगुप्त स्थापना किया, फिर 320 में चंद्रगुप्त प्रथम बनता है, उसके बाद जो है समुद्रगुप्त आता है, तो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये गाने बजाने का शौकीन था, इसलिए वीणा बजाते हुए कई सिक्के पे इनका सिंबल दिया गया था, दिखाया गया है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके बाद आते हैं वो आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही दूसरा नाम एक और था विक्रमादित्य, जो कि आप पढ़े होंगे, विक्रमादित्य भी इन्हें बोला जाता था। उसके बाद देवर्षि, ये इम्पोर्टेंट, बहुत नाम इम्पोर्टेंट है, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य, देवश्री, देवराज या देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो 380 ईस्वी में कब बैठा था, तो 380 ईस्वी में, 380 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठा था, ये भी याद रखना है आपको। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान, जो विक्रमादित्य, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसी के शासनकाल में वो भारत आया था। चंद्रगुप्त के दरबार में नौ रत्न थे, कई बार ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, नौ रत्न के नाम भी कई बार पूछे जाते हैं, तो मैं आगे आपको बता दूंगा कि कौन कौन से इसके नौ रत्न हैं, ठीक है। तो इसके नौ रत्न के बारे में भी कई बार क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, ठीक है, लेकिन अभी इसको रहने देते हैं, इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का जो उल्लेख है महरौली लौह स्तंभ द्वारा मिलता है,
आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। जो गुप्त काल में जो सबसे बड़े गणितज्ञ थे वो थे आर्यभट्ट, जिसने दशमलव की खोज की थी। कुमारगुप्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो कुमारगुप्त ने की, ठीक है। और गुप्तकालीन रचनाएँ भी बहुत सारी हैं, ठीक है, तो उसके बारे में जानिए। तो ये सब उनके नौ रत्न में से ही थे, और जिन्होंने की रचनाएं की है वो है, जैसे पहला है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की, पंचतंत्र जिसमें कि स्टोरी, ये बच्चों को सिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए जानवरों पे आधारित कहानी होती है पंचतंत्र, जिसके रचयिता कौन है, विष्णु शर्मा। उसके बाद है कालिदास, जिसने कि अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम की रचना की। तीसरा है विशाखदत्त, जिसने कि मुद्रा राक्षस, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जितने भी ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त। आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय नामक लिखा, धर्मवंत्र ने शल्य चिकित्सा के बारे में लिखा, शल्य शास्त्र। ब्राह्मीर ने बृहद संहिता, जिसमें खगोल शास्त्र के बारे में, भूगोल के बारे में उन्होंने बताया है। और गुप्त वंश के अंतिम शासक, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे, विष्णुगुप्त। याद रखना है स्टूडेंट्स, अंतिम शासक कौन थे, विष्णुगुप्त, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, चलिए हम आगे बढ़ गए, थोड़ा सा पीछे जाते हैं बैक। मध्यकालीन भारत के बारे में हम लोग अच्छे से डीपली अध्ययन लेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आएंगे, अभी जो मैं बता रहा हूं यहां से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, इसलिए मैं उसको एस्केप करके ही बता रहा था, किंतु मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, तो हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए। चौहान वंश से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, चोल वंश का भी एक आठ, तो थोड़ा सा पढ़ ही लेने में फ़ायदा है, हमें पढ़ लेते हैं। चलिए पुष्पभूति वंश, ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है पुष्पभूति वर्धन ने की थी, और इसका सबसे प्रतापी जो राजा हुआ है वो हर्षवर्धन था। कौन था, हर्षवर्धन, ये याद रखना, इसको द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन के यहाँ एक महान कवि, जो कि एक और एक नाटककार थे जिसका नाम था, उसने नागनंद नामक जो कि प्रियदर्शिका एवं रत्नावली नाटकों की रचना की। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही एक महान कवि हुए, जिन्होंने कि नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली नामक नाटकों की रचना की, ठीक है। उसके बाद चीनी यात्री वेनसांग होफर, याद रखेंगे वेनसांग होफर हर्षवर्धन, कई बार क्वेश्चंस ये आ जाता है कि कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, तो होफर वेनसांग होफर हर्षवर्धन, तो ये याद रखिएगा, शासनकाल में भारत पे आया था, भारत में आया था। हर्ष का दरबारी कवि वानभट्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वानभट्ट, ने कादम्बरी और हर्षचरित नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, जब डीपली अध्ययन में फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें अच्छे से डीपली, जब आपका एग्जाम है अभी तो तेज़ी से पढ़ना है, तो मैं अभी डीपली नहीं ले जा रहा हूँ आपको। फिर है गंग वंश जो है, गंग शासक नरसिंह देव जो इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है का निर्माण करवाया था, और इसके शासक अनंत वर्मन ने पूरी प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी जो मंदिर है उड़ीसा में ही है, मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु जगन्नाथ उन्हीं को बोला जाता है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, और यहाँ पे पुरी में रथ यात्रा शोभा निकलता है। केसरी शासकों में ने भुवनेश्वर की प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था, केसरी शासकों ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। अब आज ये चोल वंश, राजा राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा राज प्रथम ने रंजूर के राज राजेश्वर मंदिर, जिसको कि बृहदेश्वर नाम भी है, उसका निर्माण करवाया था, तथा चोलों की जो नौसेना थी वो सर्वाधिक मजबूत थी, मतलब नौसेना में ये बहुत आगे थे चोल वंश। और भगवान शिव के जो नृत्य दर्शाती हुई नटराज की कलाकृति है वो इसी वंश से संबंधित है, किस वंश से, तो चोल के राजवंश से संबंधित है, चोल राजवंश से ये संबंधित है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आइए चौहान वंश, जो कि आपने कहानी सुना होगा पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चौहान जो पृथ्वीराज चौहान था वो अपने नाना के यहाँ रहता था, और वहीं पे इसी को जो इसके मामा थे वो उतने कुशल योग्य नहीं थे,
यानी इस वंश की स्थापना जो है वासुदेव द्वारा की गई थी, लेकिन इसका जो अंतिम शासक कह लीजिए वो पृथ्वीराज चौहान ही होता है, जिसने कि तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया, लेकिन 1192 में जब द्वितीय युद्ध होता है तो उसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। इसके पीछे बहुत लंबा कहानी है तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको सुना दूं। देखिए, मोहम्मद गोरी ने कई बार भारत पे आक्रमण किया था और उसमें उस टाइम पे दिल्ली में ये पृथ्वीराज चौहान गद्दी पे थे, ठीक है। जब पहली बार जब आक्रमण किया था तो गोरी हार गया था और 1191 ईस्वी में, तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे क्षमा कर दिया और उसे छोड़ दिया। उसके बाद 1192 ईस्वी में दोबारा पृथ्वीराज चौहान पे किसने, तो यही आपका मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया। तो इस ये जो आक्रमण होता है उसमें एक कहानी होता है कि पृथ्वीराज चौहान को कहानी है, इनका एक लव स्टोरी है जो कि मतलब इनको एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसके पिता जो होते हैं वह बगल के साम्राज्य के महाजनपद के राजा होते हैं, संयोगिता नाम होता है, संयोगिता। तो संयोगिता के कारण ही, मतलब ये कह लीजिए कि संयोगिता के पिता नहीं चाहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान से मेरी बेटी का शादी हो, तो वो मना करने के बाद भी संयोगिता जो है वो पृथ्वीराज चौहान के साथ चली जाती है। तो जिस कारण से दोबारा जो है उसके पिता ने मोहम्मद गोरी को बुलाया था आक्रमण करने के लिए और उसने मदद किया था मोहम्मद गोरी को, जिस कारण से पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो ये कहानी है, जब मैं ऐसे मेरा और भी वीडियो लेक्चर है ये इस पे आधारित, जिसमें कि मैंने बताया है डीपली उसका कहानी मैंने बताया है। तो इतना ही जानिए कि दोबारा जब युद्ध होता है तो संयोगिता के पिता ने मोहम्मद गोरी की मदद की थी, जिस कारण से वो बगल के प्रांत का ही राजा होता है और वो चौहान के पृथ्वीराज चौहान से जलता होता है, क्योंकि ये इनका नाम बहुत फेमस हो गया था क्योंकि इन्होंने मोहम्मद गोरी जैसे पराक्रमी को हरा दिया था, जिस कारण से इनका नाम बहुत फेमस हो गया था उस टाइम पे, और वो नहीं चाहता था कि ये पृथ्वीराज चौहान का नाम हो, ठीक है। तो फिर ये मदद करके ये फिर दोबारा मोहम्मद गोरी को बुलाता है और जिस कारण से फिर पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। और इनके यहाँ एक दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई को भी इन्हीं के साथ कैद कर लिया जाता है, और जिसने कि पृथ्वीराज रासों में ये संयोगिता के बारे में चर्चा की है, पूरा कहानी स्टोरी लिखा है इन्होंने। और लास्ट में लेकिन चंद्रबरदाई ने बदला लेने के लिए इनका तो आँख लोहे के रड से, मतलब इनका आँख निकाल दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान को, मोहम्मद गोरी ने इनका आँख निकाल दिया होता है। उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि इनको जो है वो दिशावान चलाने आता होता है, दिगवान, मतलब बिना देखे हुए भी ये बाण चला सकते होते हैं। तो ये बात जब मोहम्मद गोरी को पता चलता है तो वो बुलाता है सभा और उसमें चंद्रबरदाई भी होता है, और चंद्रबरदाई ने अपनी कविता के माध्यम से इनको बता देता है कि इतने दूरी पे ये है राजा और तुम मार सकते हो इन्हें, ठीक है। तो वही कविता के माध्यम से ही वो समझ जाता है और उसको मोहम्मद गोरी पे तीर चला देता है और मोहम्मद गोरी की भी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। होता है जैसे मैं थोड़ा सा याद है मुझे, ये होता है 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान ताके ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। क्या होता है 4 बांस 24 गज, ठीक है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान 4 बांस 24 गज, ठीक है, अंगुल अष्ट प्रधान, अंगुल अष्ट प्रधान ता ऊपर सुल्तान है, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, ठीक है। और यही लाइन्स को समझ जाते हैं पृथ्वीराज चौहान और वो बाण चला देते हैं, ठीक है। तो यहीं पे फिर इसके बाद दोनों को मृत्यु दे दिया जाता है, पृथ्वीराज चौहान को भी और चंद्रबरदाई को भी। तो पृथ्वीराज रासों की रचना चंद्रबरदाई ने की थी,
ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है चौहान वंश। इसके पराक्रमी जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान थे, ठीक है। दो युद्ध होता है 1191 और 1192, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान जी जाते हैं, दोबारा जब युद्ध होता है तो मोहम्मद गोरी जी जाता है और वो दिल्ली सल्तनत को हथिया लेता है। उसके बाद जो वंश आए वो सिसोदिया वंश था, सूर्यवंशी कुल के थे और इसकी राजधानी चित्तौड़ थी। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ, ये सिसोदिया वंश के थे, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण अपने विजय उपलक्ष्य में करवाया था। 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें कि बाबर विजित होता है, जीत जाता है, राणा सांगा हार जाता है। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी राजा महाराणा प्रताप था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध होता है, जिसमें कि इसकी हार हो जाती है। तो ये उसके बाद आपका मुगल वंश की स्थापना होती है, मध्यकालीन भारत आ जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे मेन रूप से मध्यकालीन भारत, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से मध्यकालीन भारत से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे तो यहाँ से आने की संभावना सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसको इसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। मध्यकालीन भारत के प्रमुख वंश जो हैं उसके बारे में जानिए। ये 8वीं से 18वीं शताब्दी, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास चलता है वो 8वीं शताब्दी से, 8वीं से कब से, 8वीं मतलब 800 से 900, मतलब 8वीं नहीं 700 से 800 के क्या बोलेंगे, 8वीं से 18वीं यानी 2800 से 1900 तक, ये सब किस में आता है आपके, मध्यकालीन भारत में ही आता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम मध्यकालीन भारत। चलिए तो यहाँ पे देखिए, भारत पे जो आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था वो मोहम्मद बिन कासिम था, अरबी मुस्लिम। तुर्की मुसलमान भी आए तो सबसे पहले यहाँ पे, सबसे पहले तो भारत पे आए थे यूनानी आक्रमण, जो कि सिकंदर उसके उसका नेतृत्व करता था, ठीक है। उसके बाद जो अरबी आए हैं तो उसमें सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम था जो आया था भारत, जिसने सिंध और मुल्तान जो कि अब पाकिस्तान में है 712 ईस्वी में उसको जीता था, और उसको बहुत सारे यहाँ से सोना मिले थे, सोना जवाहरात, इस कारण से उसने इसका नाम मुल्तान को स्वर्ण नगरी भी नाम दे देता है। कौन, तो यही होता है मोहम्मद बिन कासिम, स्वर्ण नगरी, ठीक है। अरब जो थे वो आक्रमणकारी बोलन नामक दर्रे से भारत आए थे, बोलन नामक एक दर्रा है उससे भारत आया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण जो हुआ है 900, ये था अरबी, तो ये सोना चांदी लूट के ये चले जाते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य शासन करना नहीं होता है, ठीक है। फिर दोबारा आते हैं तुर्की मुसलमान आते हैं भारत पे, जो प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ 986 ईस्वी में, कौन किया, तो गजनी के शासक सुबक्त गिन ने किया था, ठीक है। तो ये भी आए थे, मतलब यहाँ पे अपने धर्म को, इनके गुरु ने इनको भेजा था, धर्म गुरु जो होते हैं इस्लामिक कंट्री के, उन्होंने भेजा था कि मतलब ज्ञान का, मतलब धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए ये भी आता है यहाँ पे, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है मतलब दूसरे धर्म को विनाश करना और इस्लाम धर्म को फैलाने का काम होता है। सुबक्त गिन उत्तराधिकारी महमूद गजनवी ने, इसका सुबक्त गिन का ही उत्तराधिकारी था महमूद गजनवी, जो कि भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। तो ये धन जो थे संपदा भारतीय, सोने चांदी मंदिरों को लूटता था, वहाँ से सोने चांदी लेके चला जाता था, इसका उद्देश्य भी शासन करना नहीं था, और ये मतलब यहाँ पे इसका उद्देश्य धर्म का प्रचार प्रसार करना होता था, इस्लाम धर्म का प्रचार। और बोला जाता था कि वो इनके जो धर्म गुरु थे वो बोलते थे जो काफिर हैं, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते वो काफिर हैं, और उसको तुम ज्ञान दो, उसको अपने धर्म में मिलाओ, उसके लिए वो बार बार आता था और दूसरे धर्म को क्षति पहुँचाता था, खास करके हिंदू धर्म के का क्षति पहुँचाया था इन्होंने, महमूद गजनवी ने। तो 1001 से 1027 ईस्वी के दरमियान इसने 17 बार आक्रमण किया भारत पे, और इसका मेन उद्देश्य वही होता था, मंदिरों को तोड़ना फोड़ना, वहाँ के धन संपदा को क्षति करना, ले जाना यहाँ के सारी संपदा को। इसी दौरान उसका जो विशाल साम्राज्य का भी, मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य की भी स्थापना कर लिया था, और 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ, जो कि अभी सौराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में सौराष्ट्र है, वहाँ पर है, तो सोमनाथ के शिव मंदिर पर भी इसने आक्रमण किया था, जो सौराष्ट्र में 1025 ईस्वी में, और इसने बहुत भारी मात्रा में सोना चांदी यहाँ से लूट के ले गया था। अब देखिए, अब दूसरा जो तुर्क, तो ये भी चला जाता है, फिर जो दूसरा तुर्की आक्रमण होता है वो मोहम्मद गोरी होता है, और उसने तुर्क राज्य की स्थापना कर दी थी आपके देश में, हमारे देश में तुर्क राज्य की स्थापना की थी। महमूद गजनवी के विपरीत मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज की स्थापना करना था। देखिए, मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य भारत पे आक्रमण करके यहाँ पे सत्ता जमाना नहीं था, लेकिन मोहम्मद गोरी का मुख्य उद्देश्य था यहाँ पे सत्ता हासिल करना था,
जो कि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था आपको कि मोहम्मद गोरी का जो युद्ध होता है वो पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है। चंदबरदाई वगैरह की कहानी, संयोगिता की कहानी मैंने थोड़ा सा बताया, हिंट दिया आपको बस, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी का उद्देश्य होता है यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे शासन करना होता है, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गजन ये हो गया। तो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर लिया पृथ्वीराज चौहान को हरा के, और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब ये इसके मरने के बाद जो इसका जो गुलाम होता है उसका नाम होता कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, वो गुलाम था। जब मोहम्मद गोरी का मृत्यु हो जाता है तो गुलाम वंश के जो कुतुबुद्दीन इसका गुलाम होता है उसने गुलाम वंश की स्थापना कर डाली, क्योंकि बड़ा साम्राज्य हो गया था। और वो 1206 ईस्वी में, ठीक है, 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। और कुतुबुद्दीन दिल्ली के गद्दी पे सबसे पहला जो शासक जो था तुर्की मुसलमान में वो बैठा यहाँ पे गद्दी पे, गुलाम वंश की स्थापना की। तो वंश को भी याद रखना है, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पे अगर कोई वंश आया है तो गुलाम वंश, तो याद रखना गुल खिले तो सूंघ लो, गुल खिले तो सूंघ लो, ठीक है। कहने का मतलब है गुल मतलब गुलाब, ठीक है, गुलाब से गुलाम वंश याद रखेंगे, गुलाम वंश। फिर आता है खिलजी वंश, फिर क्या आता है तुगलक वंश, ये ट्रिक है, ठीक है। अभी उसके बाद आपका आता है सबसे लास्ट में आता है आपका लोदी, लो फॉर लोदी। और बीच का जो वंश होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो सूंग वंश ही होता है, सूंग लो, ठीक है। खिलजी के बाद आते हैं आपके तुगलक वंश, उसके बाद लोदी वंश, ठीक है। गुल खिले तो सूंग लो, ठीक है, सूंग का यहाँ कोई अर्थ नहीं है, गुल खिले तो सूंग लो, तुगलक तोफर तुगलक लोफर लोदी, तो ट्रिक है, थोड़ा सा याद रखेंगे। गुल खिले यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुल खिले तो सूंग लो, उसके बाद क्या है तुगलक वंश, उसके बाद क्या है लोदी वंश। चलिए तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था उसने गुलाम वंश की स्थापना की, कब 1206 ईस्वी में। और इसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव डाला है और अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन मीनार का नींव ही सिर्फ डाला था लेकिन इसको पूरा क्या किया, इसके गुलाम, इसके जो गुलाम थे वो था इल्तुतमिस, इल्तुतमिस इसका गुलाम था जिसने कि कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। और चंडी का टका तथा चांदी का, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, चांदी का टका एवं तांबे का जीतल मुद्रा का प्रचलन शुरू किया, कौन, तो ये इल्तुतमिस। उसके बाद आता है रजिया बेगम, दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासिका बनी, इल्तुतमिस की पुत्री होती है, कौन, रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान जब बन जाती है तो वहाँ के जो मुस्लिम खलीफा थे और ये जो है मतलब गद्दी पे बैठने लगती है तो उनको बुरा लगता है और इनको इसको हटाने का हर संभव प्रयास करते हैं। उसके बाद मतलब यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे डीपली जब मैं पढ़ाऊँगा तो अच्छे से बताऊँगा। रजिया बेगम जो दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासिका बनी थी, ठीक है, तो होती है ये जो होती है उसने क्या करता कि पर्दा प्रथा चल रहा था, पर्दा प्रथा बुरका, उसको त्याग कर पुरुषों की तरह चोंगा, क्या चोंगा और जो है कूला टोपी पहन के, ये रजिया जो सुल्तान होती है वो चोंगा, पुरुषों की तरह चोंगा और कूला टोपी पहन के ये गद्दी पे बैठने लगती है। और रजिया के जो मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर नियुक्त किया गया था, ठीक है। और रजिया की शादी जो होती है वो अल्तुनिया से होती है, किससे होती है, अल्तुनिया के साथ होती है। फिर क्या होता है कि इसके भाई जो होता है वो उसका नाम होता है बहराम शाह, ठीक है, वो गद्दी हथियाना चाहता है और उसने बाकी खलीफाओं के मदद से गद्दी हथिया लेता है। और ये रजिया बेगम को जब ये शादी करती है किससे, अल्तुनिया से, तो बीच रास्ते में जब आ रही होती है तो उसी के दरमियान, ठीक है, इसको 1240 ईस्वी के आसपास मतलब 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा कैथल के पास ही इसकी हत्या करवा दी जाती है। और फिर बहराम शाह को दिल्ली के सुल्तान बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको,
बहराम शाह इसके बाद बन जाता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह बनता है, उसके बाद अलाउद्दीन मसद शाह बनता है, फिर नसरुद्दीन महमूद शासन किया, लेकिन ये सभी अयोग्य थे जिस कारण से बलबन ने इनकी जो सत्ता है वो हथिया ली होती है बलबन, और ये 1266 ईस्वी में दिल्ली के सल्तनत पे बैठ जाता है, और इसने जो वंश की स्थापना की है बलबन ने, उसको क्या बोलते हैं, मतलब इसने बलबन भी थोड़ा दिन तक ही शासन करता है। बलबन जो होता है वो गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के गद्दी पे बैठता है, और ये कई बार बंगाल आक्रमण इसके शासनकाल में हुआ था, और इसने दिल्ली को रक्षा भी किया था, मतलब मंगोलों से इसने रक्षा किया था बलबन ने, ठीक है। और इसके बाद जो वंश आता है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ही लीजिए। बलबन ने अपने शासन में लौह रक्त की नीति का पालन किया था, सिजदा एवं पाबोस प्रथाओं की शुरुआत, सिजदा मतलब कदम चूमना, पाबोस झुक के प्रणाम करना राजा को, सिजदा मतलब झुकना और पाबोस मतलब पैर को चूमना की प्रथा शुरुआत की थी, तथा भारत में नवरोज जो होता है नवरोज उसकी उत्सव प्रारंभ किया था, और बलबन के दरबार में ही फारसी कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन शामिल थे, ये याद रखना है। इसके बाद बलबन के बाद आता है खिलजी वंश, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी अब हम लोग अध्ययन करेंगे खिलजी वंश के बारे में, ठीक है। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था जलालुद्दीन, यहाँ पे मिस्टेक है, जलालुद्दीन लिखा गया है, जलालुद्दीन, ठीक है, इसको सुधार लीजिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पे, इसके बाद इसने जो अलाउद्दीन होता है वो जलालुद्दीन की हत्या करके गद्दी हथियाता है, और इसी का भतीजा होता है, ये जलालुद्दीन का भतीजा होता है ये अलाउद्दीन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत को विजय प्राप्त की थी, ठीक है, ये याद रखेंगे। दक्षिण भारत का अगर प्रथम विजय प्राप्त करने वाला कोई दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था तो वो अलाउद्दीन था। अलाउद्दीन ने अपने शासन में घोड़े को दागने की प्रथा तथा सैनिक की हुलिया प्रणाली की शुरुआत की थी, इसको सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि दी गई, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा हौज खास जो दिल्ली में है सारी फोर्ट का निर्माण करवाया था, ठीक है, ये अपने मतलब सैनिक व्यवस्था के लिए भी जाना जाता था। उसके बाद आपका आता है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, तुगलक आपको बताए थे गुल खिले तो तोफर तुगलक, तुगलक गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश की स्थापना की थी, और ये वंश का जो शासन काल है 1320 से 1398 ईस्वी। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बस वही चर्चा कर रहा हूँ। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, किस वंश के बाद, खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी के बाद, इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक या तुगलक गाजी था, क्या था, गाजी मलिक या तुगलक गाजी था। पहली बार गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए दिल्ली में कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया था, किसने, तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही सबसे प्रथम कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1334 ईस्वी में मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता नाम था, इब्न बतूता, वो इसी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है, MBT भी इसको बोलते हैं, पगला बादशाह भी बोलते हैं, ये दिल्ली से मतलब दौलताबाद अपनी राजधानी ले गया, फिर दौलताबाद से दिल्ली को ले गया था, ये इसको पगला बादशाह भी बोला जाता है। उसने दिल्ली में 8 वर्षों तक काजी का पद संभाला था, किसने, तो MBT ने, ठीक है, सॉरी ये इब्न बतूता जो कि आता है MBT के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वो काजी की उपाधि धारण करता है वहीं जामा मस्जिद में, ठीक है। उसके बाद जो वंश आता है वो आता है लोदी वंश, तो 1451 से 1526 ईस्वी तक ये चलता है, कब से कब तक, 1451 से 1526 ईस्वी। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक बहलोल लोदी ने किया था, ये अफगानिस्तानी मुस्लिम था, ठीक है, अफगानिस्तानी। बहलोल लोदी का पुत्र सर्वश्रेष्ठ शासक था, उसने भूमि मापने के लिए गज या सिकंदरी नामक पैमाने का चलन किया। बहलोल लोदी का पुत्र वंश का जो सर्वश्रेष्ठ शासक था, इस वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी, जिसको कि बाबर ने हराया था, और उसने एक बम का प्रयोग करके इसको तोप
खाने का प्रयोग करके इसको हरा दिया था। इब्राहिम लोदी के पास भी बड़ी सेना थी, किंतु उतना टेक्नीशियन या टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं था इब्राहिम लोदी के पास, जिस कारण से वो हार जाता है। तो उसके बाद जो मुग़ल वंश आ जाता है, तो दिल्ली सल्तनत पे मुग़ल वंश की स्थापना हो जाती है। तो ये वंश का याद रखना है आपको, जो आया है भजसा, एक लाइन याद रखना, ट्रिक क्या है भजसा। भजसा बी फॉर बाबर, बाबर ठीक है, बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस एच फॉर शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, ठीक है। ये चीज़ भजसा याद रखेंगे तो ये आपको याद रहेगा हमेशा, भजसा याद रखना है आपको, भजसा, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा कि किसके बाद कौन आया, बाबर आया, बाबर के बाद हुमायूं, कौन आया हुमायूं, उसके बाद अकबर, अकबर उसके बाद जहांगीर, जहांगीर लिख लीजिएगा अपना, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, मतलब मेन रूप से जो मुग़ल वंश में यही सब रहे हैं, औरंगजेब, ठीक है। चलिए उसके बाद अब मुग़ल वंश के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं। मुग़ल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। इसने अपने महत्वपूर्ण लड़ाइयां, यहाँ मिस्टेक है, इसने अपने जीवन का महत्वपूर्ण लड़ाइयां, देखिए ये तीन लड़ाइयां लड़ता है, इसको भी ट्रिक से याद रखिएगा, पानी पी खाना खो चल घर, पानी पियो खाना खाओ चलो घर, ठीक है, पानी पियो खाना खाओ और चलो घर, यानी पानीपत की पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घाघर का युद्ध, ठीक है। ये युद्ध लगातार 1526 27 28 29 में ये करता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पानी पी खाना खो खाना खाओ और चलो घर, ठीक है। मुग़ल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। इसने अपने जीवन में महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, और 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, और 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा, और इस चारों युद्ध में ये विजय प्राप्त होता है। बाबर ने अपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है, तुजुक ए बाबरी, जो बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है, तुजुक ए बाबरी, तुर्की में, लेकिन ये फारसी भी जानता था, बाबर जो था फारसी भी जानता था, लेकिन अपनी जो ये बुक लिखा है आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, वो तुर्की में लिखा है। उसके बाद देखिए हुमायूं आ जाता है, हुमायूं, ये थोड़ा सा इसका जीवन काल बहुत ही कष्टमय होता है हुमायूं का, 1530 से 1556, 1530 में तो ये बनता है, लेकिन फिर बीच में शेरशाह सूरी के साथ इसका युद्ध होता है 1545 ईस्वी में, जिसमें ये हार जाता है, फिर ये दोबारा जब शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है तो ये फिर दोबारा आक्रमण करके 1556 ईस्वी में ये आता है और राजगद्दी पे बैठता है। उसी दरमियान फिर ये दिल्ली में एक पुस्तकालय है शेरमंडल, वहाँ से गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसका भी कहानी थोड़ा सा देख लीजिए। हुमायूं ने अपना जो साम्राज्य था वो अपने चार भाई था इसका, उसके मध्य में विभाजन कर दिया था, जो कि इसकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी, उसे अपने साम्राज्य को विभाजित नहीं करना था, जिस कारण से यह कमज़ोर हो गया था, और शेरशाह सूरी ने 1529 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया और हुमायूं को गद्दी छोड़ के भागना पड़ा। हुमायूं वह शासक है जो अपने शासनकाल में दो बार राज सिंहासन पर बैठा, एक फिर आपका 1545 ईस्वी में फिर ये दोबारा आता है, और जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, वो खुद मतलब तोप चलाने के दौरान ही बम उसके नज़दीक ही रह जाता है, जिस कारण से शेरशाह सूरी खुद मर जाता है, तब फिर ये दोबारा आक्रमण करता है और ये दिल्ली की सल्तनत को अपने कब्जे में लेता है। 1556 ईस्वी में दिल्ली में शेरमंडल नामक पुस्तकालय से के सीढ़ियों से लुढ़क कर हुमायूं की मृत्यु हो गई। इसका जीवन काल बहुत ही कष्टमय ही रहा, ये कभी सुख नहीं भोग पाया, राजा की तरह नहीं जी पाया, ये युद्ध करते करते इसका जीवन समाप्त हो जाता है। और इसी का पुत्र होता है कौन, तो वो होता है अकबर, 1556 से 1605 ईस्वी का इसका शासनकाल है, ये लंबा शासनकाल इसका चलता है। अकबर का जन्म जो है 1542 ईस्वी में, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। 14 वर्ष की आयु में ही अकबर का राज्याभिषेक जो है कलानौर में 1556 ईस्वी में कर दिया गया था, और इसकी जो संरक्षता वो बैरम खान ने किया था, जो कि हुमायूं का बहुत ही अच्छा विश्वास
वाला सेना था, बैरम खान सेनापति। उसके बाद यहाँ पे आइए थोड़ा सा देख लें, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध यहाँ ये देख लेते हैं। 1560 ईस्वी में अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन किया। 1560 ईस्वी तक जो है अकबर बैरम खान के संरक्षता में शासन करता है। ये 14 वर्ष की आयु में ही बन जाता है, ये याद रखें, बहुत कम उम्र में राजगद्दी पे बैठ जाता है। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा और हल्दीघाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा और विजय प्राप्त हुआ। अकबर ने अपने शासनकाल में हिंदू पे लगे, ये मतलब ये कह लीजिए कि धर्म का विरोधी नहीं था, ये सभी धर्म को समान रूप से देखता था, तो ये हिंदू पर लगे जजिया कर समाप्त कर दिया था और सभी धर्म को सामंजस्य की स्थापित करने का प्रयास किया था। और उसने 1582 ईस्वी में इसी के लिए दीन ए इलाही नामक धर्म का भी निर्माण किया था, किंतु ये धर्म प्रचलित नहीं हो सका, नहीं चल सका। सिर्फ एक ही इसका अनुयायी बना, वो था बीरबल, जो कि इसका मंत्री था बीरबल, वही सिर्फ इसका इस धर्म को स्वीकार करता है सर्वप्रथम दीन ए इलाही को। अकबर ने गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था, गुजरात जब इसने जीता था तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर भूमि संबंधी सुधारों, अकबर के शासनकाल में जो भूमि संबंधी सुधार हुआ है उसका श्रेय टोडरमल को जाता है, इसी के यहाँ पे एक मंत्री थे टोडरमल याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, टोडरमल को जाता है। अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे, वो थे बीरबल जो कि बहुत विश्वासी था अकबर का। फिर आपका है तानसेन, अबुल फजल, ठीक है, मुल्ला दुप्याजा, भगवान दास, मान सिंह, फैजी और अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, तो ये सब नवरत्न थे, ये याद रखेंगे। अकबर नामा एवं ऐन अकबरी की रचना अबुल फजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबुल फजल ने अकबरनामा और ऐन अकबरी की रचना की थी। इसके बाद आपको बताई भजसा, बी एच ए हो गया, अब जे पे आ जाइए, जहांगीर। जहांगीर के बारे में जानते हैं, सलीम अनारकली का आप नाम सुने ही होंगे, इसी का कहानी है। ये 1605 से 1627 ईस्वी तक रहता है। जहांगीर का वास्तविक नाम मोहम्मद सलीम था, उसकी माता का नाम मरियम उज्जमानी था। उसने अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह करने पर उसको मरवा दिया था, कौन, जहांगीर ने। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की भी हत्या जो है जहांगीर ने ही करवाई थी। जहांगीर ने अपने राज्य में जनता को न्याय दिलाने के लिए सोने की जंजीर लगवाई थी, ठीक है। जहांगीर के दरबार में ही कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे, जो कि एक व्यापारी थे इंग्लैंड के, ठीक है, व्यापार की अनुमति मांगने के लिए 1608 ईस्वी में आए थे कैप्टन हॉकिंस, ये भी याद रखना, जहांगीर के शासनकाल में आए थे। जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सर्वप्रथम जो है सूरत में अपना कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान की थी, किसने, जहांगीर, ये और इसी के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस आए थे, ये इंपॉर्टेंट है। जहांगीर चित्र जो कि पक्षियों के चित्र को भी बनाता था और चित्रलिपि का भी विकास इसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में। और इसी का पुत्र का नाम होता है शाहजहां, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसने कि ताजमहल बनवाया, बहुत सारे इसमें जो है शिल्प कला का निर्माण होता है, बहुत सारे निर्माण किए गए हैं, ये याद रखना। शाहजहां ने लाल किला, दिल्ली में जो लाल किला है, दीवान ए खास, मोती मस्जिद जो दिल्ली में है, जामा मस्जिद का निर्माण कराया, आगरा में ताजमहल का निर्माण किसके, मुमताज़ बेगम की याद में करवाया था। शाहजहां ने अपनी मुमताज़ बेगम की याद में ताजमहल के नाम से स्मारक बनवाया। विश्व का सबसे महंगा कोहिनूर हीरा शाहजहां के तख्त-ओ-ताज मयूर सिंहासन में लगा था, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको शाहजहां के बारे में। उसके बाद आता है भजसा, ये आ जाता है ए फॉर औरंगजेब, नहीं, ये 1658 से 1707 ईस्वी तक रहता है। औरंगजेब मुमताज़ महल का पुत्र था, ठीक है, जिसको कि सबसे ज़्यादा वो प्यार करता था, कौन, शाहजहां। औरंगजेब ने हिंदुओं को पुनः जजिया कर लगा दिया, हिंदुओं पर क्या किया, कर लगा दिया फिर दोबारा,
रक्तपात की नीति अपनाता है औरंगजेब। इसने सिखों के नौवें गुरु बहादुर की हत्या करवाई थी। किसने? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति, लेकिन ये सर्वाधिक सेनापति जो रखा था वो हिंदू को ही रखा था। मुगल वंश का अंतिम शासक जो हुआ है वो बहादुर शाह द्वितीय, जिसको कि बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। और मुगल काल के महत्वपूर्ण जो निर्माण है किसने करवाया और क्या नाम है उसका, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। मैं यहाँ पे टेबल आपको दिखा रहा हूँ, मुगल कालीन जो निर्माण हुए हैं उसके बारे में ये टेबल है, तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती है। जो पुराना किला है, ठीक है, उसका निर्माण दिल्ली में हुआ और शेरशाह सूरी ने करवाया था। और गैंगटॉक रोड का भी निर्माण करवाया था, मरम्मती करवाया था, जो कि बंगाल के सोनार से लेकर अमृतसर तक जाती है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में शेरशाह सूरी ने करवाया था। हुमायूं दिल्ली में हाजी बेगम हुमायूं जो वहाँ पे मकबरा, हुमायूं का मकबरा यहाँ पे होना चाहिए था मकबरा, उसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। आगरे का किला आगरा में स्थित है, अकबर ने करवाया था। मैक्सिमम देखिए फतेहपुर सिकरी का भी अकबर ने करवाया था। जोधाबाई महल फतेहपुर सिकरी का भी निर्माण अकबर ने करवाया था। मरियम की कोठी फतेहपुर सिकरी में ही अकबर ने करवाया था। जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी जो कि यूपी में है उसका भी निर्माण अकबर ने ही करवाया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में पड़ता है बुलंद दरवाज़ा, उसका भी निर्माण अकबर ने ही करवाया था। अकबर का मकबरा, जब अकबर मर जाता है तो उसी का बेटा जहांगीर ने उसका अकबर का मकबरा बनाता है। जहांगीर का मकबरा जो है सहादरा लाहौर में स्थित है, वो उसको नूर जहां बनवाती है, नूर जहां उसी की बेगम रहती है। लाल किला का निर्माण दिल्ली में शाहजहां करवाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाहजहां जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां, मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब, मोती मस्जिद याद रखेंगे दिल्ली में है किंतु औरंगजेब ने करवाया था इसका निर्माण, ये भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। और ताजमहल आपको पता ही है शाहजहां। अब आ जाइए शेरशाह सूरी जो 1540 से 45 तक रहता है उसके बारे में, जो कि हुमायूं को हरा के राजगद्दी हथियाता है दिल्ली का। शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी मार्ग गैंगटॉक रोड कोलकाता से अमृतसर तक का निर्माण करवाया। इसने चांदी रुपया एवं तांबे के सिक्के का शुरुआत किया था। इस काल में मोहम्मद जायसी ने पद्मावत, पद्मावत के रचयिता कौन है? मोहम्मद जायसी, और पद्मावत की रचना की थी मोहम्मद जायसी ने। चलिए ये था आपका दिल्ली के जो दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में। इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट ये 5 है, बिहार हिस्ट्री कैप्सूल, बिहार पुलिस हिस्ट्री कैप्सूल पार्ट 5 है ये। और पार्ट 6 में मैं आपको मध्यकालीन पूरा ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद मैंने बताया था आपको, प्रॉमिस किया था आपको, पार्ट 10 तक मैं आपको सारा का सारा मैं कवर कर दूंगा हिस्ट्री लेक्चर, ठीक है, और वो मैं कवर कर भी दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें दोस्तों के बीच में। स्टूडेंट्स, मैंने इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही आपके बीच में रखा है, शेयर किया है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे कहानी तो इसका बहुत लंबा जाता है, किंतु हम आपको अभी उतना लंबा नहीं सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही कम है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।